मध्य प्रदेश में चौथी बार सरकार बनाने की तैयारी में जुटी भाजपा ने बूथ को मजबूत कर चुनाव जीतने की रणनीति बनाई है। इसी कड़ी में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने बूथ विजय अभियान के तहत कार्यकर्ताओं को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया और जीत के टिप्स दिए। देखिए ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियां चुनावी मैदान में आ चुकी हैं। सत्तारूढ़ भाजपा और कांग्रेस दोनों ने सभी 230 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने मध्य प्रदेश की सभी 230 सीटों पर बूथ कार्यकर्ताओं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा की। उन्होंने कार्यकर्ताओं से भाजपा सरकार की योजना से लाभान्वित हर व्यक्ति के घर भाजपा के समर्थन में दिया जलाने के लिए 21 नवंबर को कमल दीपावली मनाने का आह्वान किया। अमित शाह ने कहा कि 2018 के विधानसभा चुनाव देश के लिए बेहद महत्वपूर्ण होंगे। मध्य प्रदेश के चुनाव के बाद 2019 में आम चुनाव होंगे और हम मोदी जी के नेतृत्व में 2019 का चुनाव जीतकर आगे बढ़ना चाहते हैं। मेरा कार्यकर्ताओं से आग्रह है कि हम शिवराज सिंह सरकार ने किए हुए काम और नरेंद्र मोदी सरकार ने किए हुए कामों को लेकर जनता के पास जाए और जनता को स्पष्ट संदेश दे कि सरकारें राजनीतिक विवाद करने के लिए नहीं होती है, सरकारें गरीब का जीवन स्तर उठाने के लिए होती है और इस एजेंडा पर चुनाव को हम ले जाने का काम करें। मित्रों, जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद हमने राष्ट्रीय सुरक्षा को बहुत बड़ा बल देने का काम किया है। अमित शाह ने कार्यकर्ताओं से कहा कि सिर्फ जीत लक्ष्य नहीं है, हमारा लक्ष्य जीत का बड़ा मार्जिन होगा। उन्होंने कार्यकर्ताओं को हर पल पार्टी और प्रदेश की जनता की भलाई के लिए काम करने के लिए प्रोत्साहित किया। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, चुनाव हमारे लिए सिर्फ सरकार बनाने का जरिया नहीं है, चुनाव हमारे लिए हमारी विचारधारा को लोगों तक पहुंचाने का भी एक सशक्त माध्यम है। चुनाव के अंदर लोक संपर्क के माध्यम से हम हमारी विचारधारा को भी लोगों तक पहुंचाते हैं और हमारी सरकारों ने जो लोकाभिमुख काम किए हैं उसको भी लेकर जाते हैं और साथ में आगामी दिनों में सरकार बनने के बाद अगले 5 साल तक मध्य प्रदेश की जनता के लिए हम क्या करेंगे वो भी हम लेकर जरूर जाएंगे। कुल मिलाकर एमपी में जीत का चौका लगाने के लिए शाह ने मिशन मध्य प्रदेश पर पूरा फोकस कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, भोपाल।